सर्वश्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए संतोषी माता का व्रत। शुक्रवार संतोषी माता का दिन है। इस दिन संतोषी माता की पूजा की जाती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के आरंभ में होता है। जो इस व्रत को करता है 6 महीने में अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन यदि किसी के ग्रह अधिक खोटे हैं तो 1 वर्ष में अवश्य पूरी होती है इच्छा। यदि आदर्श संतान चाहिए तो जातक को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे प्राणियों की हिंसा या पशु पक्षियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इससे संतान के अंदर पशुता के लक्षण आ जाएंगे, वह भक्त नहीं रहेंगे। किसी भी मनुष्य को उसकी गलती के लिए श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि श्राप देने से अपनी भी भक्ति कम हो जाती है और उस मनुष्य के दोष का असर अपनी संतान पर पड़ता है। यदि देना चाहते हो तो उसे धन से या मदद से खुश कर दे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि माँ बाप झूठ बोलते होंगे तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, जो बहुत गलत है। अपवित्र और अशुभ वस्तु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने धर्म कर्म का घाटा होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति इस प्रकार की वस्तुओं का स्पर्श नहीं करता है। ऐसी वस्तु का स्पर्श करने से संतान नास्तिक होती है। भारतीय पुराणों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जल में डुबकी लगाकर नहीं नहाना चाहिए। इससे जल के देवता का अपमान होता है। क्रोध ना करें, क्रोध करने से रक्तचाप उच्च हो जाता है, मांसपेशियों पर दबाव आता है, जिस कारण शरीर में बीमारियां आ जाती है। दुष्टजनों के साथ कभी बातचीत नहीं करें, क्योंकि दुष्ट हमेशा दुष्टता की ही बात करेंगे, जिससे अपने धर्म कर्म की हानि होगी। बिना धोया हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़े पहनने से मनुष्य बीमार हो जाता है। ऐसे मनुष्य को सभा में सम्मान नहीं मिलता। यदि आदर्श संतान चाहते हो तो चींटियों का झूठा भोजन नहीं खाएं, और जिस भोजन पर शूद्राणी की नज़र पड़ी हो उस भोजन को कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऋतुमती की नज़र में पड़ा हुआ भोजन ना करें। भोजन करके हाथ धोए बिना, केश बांधे बिना, वाणी का संयम किए बिना और वस्त्रों के अंगों को ढके बिना और संध्या के समय घर से बाहर विचरण ना करें। पैर धोए बिना, गीले पैर रखकर एवं उत्तर या पश्चिम की ओर सिर करके ना सोवें, क्योंकि इस दिशा में सिर करके सोने से उच्च रक्तचाप हो जाता है। वैसे भी इस दिशा में पैर करके सोना शुभ नहीं होता। इससे मन मुटाव बढ़ जाता है और घर में झगड़ा हो जाता है। पर पुरुष के साथ ना सोवें, क्योंकि ऐसा करने से इज्जत भी खत्म होती है और मर्यादा भी समाप्त होती है। पर पुरुष हानि भी पहुंचा सकता है, पति का प्रेम भी समाप्त हो सकता है। यदि वह इस आलस में देखेगा तो शक अवश्य करेगा। प्रातःकाल भोजन से पहले धोए हुए कपड़े पहनकर पवित्र होकर तथा समस्त मंगल द्रव्यों को धारण करके प्रतिदिन गौ, ब्राह्मण, भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी देवी जी का पूजन अवश्य करें। इससे भगवान खुश होते हैं और संतान भक्त और आदर्शवादी होगी। घर का वातावरण मंगलमय होगा, क्योंकि जिस घर में भगवान की पूजा की जाती है उनके भोग लगाया जाता है, वह भोग शुभ होता है। माला, चंदन, भोजन सामग्री आदि के द्वारा पति का पूजन करें एवं पूजा समान होने पर पति का अपने उदर में ध्यान करें। किसी काले जादू टोटका के चक्कर में ना पड़े। गर्भकाल में इस प्रकार करने से निश्चय ही तेजस्वी, मेधावी, शूर और धार्मिक पुत्र का जन्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।